देखिए ये हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द इक्वेशन। ऐसा इक्वेशन फाइंड करना है जो कि हुज रूट्स आर द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन का जो रूट्स हो जाएगा वो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर में चेंजेस होगा। तो चलिए देखते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन से रिलेटेड इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में आते हैं, इसे स्क्वायर का आता है या फिर क्यूब का आता है, कोई दोनों में से एक आता है, ठीक है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। सॉल्यूशन जैसे हम कर रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, जो गिवन दिया हुआ था ना हमारा इक्वेशन, वो हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक। देखिए यहाँ लिखते हैं द गिवन इक्वेशन इज, इक्वेशन इज क्या है कि 3x³ + 4x² - 5x + 6 = 0। ये हमारा गिवन इक्वेशन है, ठीक। इसको इक्वेशन हम 1 कंसीडर कर लेते हैं। देन देखिए, लेट द ट्रांसफॉर्म ऑफ द इक्वेशन, लेट द ट्रांसफॉर्म ऑफ द इक्वेशन किस में ट्रांसफॉर्म कर लिया है, बी इन वाई में, ठीक है। ये हमारा एक्स में दिया हुआ है, तो हम इसको वाई में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं। तो ट्रांसफॉर्म बी इन वाई में, तो देन द रिलेशन ऑफ एक्स एंड वाई का क्या हो जाएगा, देन द रिलेशन एक्स एंड वाई, ठीक है। आर तो रिलेशन क्या हो जाएगा, जैसे कि यहाँ पे स्क्वायर बोला है, मीन्स क्या हो गया, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो गया। और इसी को हम लिख सकते हैं क्या कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई, मीन्स क्या हो गया कि एक्स स्क्वायर, देखिए ये जो हमारा है इक्वेशन वन, इसको इक्वेशन हम टू डाल देते हैं। देखिए तो क्या कि इक्वेशन वन में हम ये वैल्यूज पुट करेंगे, एक्स स्क्वायर का वैल्यूज यहाँ से पुट करेंगे, और यहाँ से क्या करना है कि ये जो इक्वेशन वन है वहां से सारा एक्स को इरेज कर देना और वाई में ट्रांसफॉर्म कर देना। वाई में जैसे ही ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, देखिए इसका जो रूट्स में हो जाएगा ना वो स्क्वायर में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ले रहे हैं हम, तो स्क्वायर इज में चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए, तो लिखते हैं नाउ सब्स्टिट्यूटिंग, सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ इसका एक्स स्क्वायर फ्रॉम कहां से, टू से इन वन में, ठीक है, वी गेट। देखिए तो हमें क्या मिलने वाला है, तो यहाँ पे देखिए क्या कि एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब के क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स मीन्स एक्स स्क्वायर की जगह पे वाई हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 3y हो जाएगा और एक एक्स भी बचेगा यहाँ पे, ठीक है। देन देखिए यहाँ पे 4x² है, तो प्लस यहाँ पे 4y हो जाएगा। फिर यहाँ पे -5x है, तो -5x, एक्स का तो कुछ है नहीं, एक्स स्क्वायर का वैल्यू है। फिर +6, तो +6 = 0। अब देखिए कि x यहाँ पे है और x यहाँ पे है, ठीक। और ये वाला टर्म्स है हमारा, ये y टर्म्स में हो गया, ये हमारा कॉन्स्टेंट टर्म है, तो हम इसको एज इट इज रखते हैं। देखिए यहाँ पे 4y और +6 इसको रखते हैं, ठीक। और ये वाला x वाला टर्म है वो RHS में भेज देते हैं, तो RHS में भेजेंगे जैसे ही, तो ये 5x हो जाएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और वो हमारा -3yx हो जाएगा। तो देखिए 4y + 6 = क्या हो रहा है कि x यहाँ से कॉमन आउट कर सकते हैं, x जैसे ही कॉमन आउट करते हैं तो यहाँ पे 5 बचता है, माइनस यहाँ पे 3y, ये हो गया हमारा इक्वेशन, ठीक। देन अब हमें क्या करना है कि टेकिंग कर लेते हैं कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, जैसे ही स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हमारा एक्स स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। एक्स स्क्वायर में जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा तो क्या कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू देखिए वहां पे वाई है, तो 2 से यहाँ से क्या करेंगे कि वाई का वैल्यू यहाँ पे पुट कर, मीन्स एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देंगे वाई, तो बस हमारा यहाँ वाई में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सारा इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए लिखते हैं नाउ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, या टेकिंग स्क्वायरिंग बोथ साइड्स लिख सकते हैं, taking square both sides, दोनों साइड लेते हैं। तो देखिए इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, मीन्स क्या कि 4y + 6 का ये हमारा होल स्क्वायर होगा, इक्वल टू देखिए ये हमारा एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे है 5 - 3y, ये भी हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो ये स्क्वायर हो गया, सारा स्क्वायरिंग हो गया। देन फिर क्या करना है कि इसको सॉल्व करना है, तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर में ही टूटेगा, और ये भी हमारा a माइनस बी का होल स्क्वायर में टूटेगा, तो बस यही तोड़ देना है। तो देखिए a स्क्वायर होता है इसका, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 का स्क्वायर मीन 16, दिस इज 16y²
यहाँ पे इम्प्लाई दैट का साइन दे देता है। 16y स्क्वायर प्लस यहाँ पे b स्क्वायर मीन्स क्या 36, दिस इज 36 और प्लस 2ab मीन्स 2 × 4y × 6 ये टर्म हो गया इक्वल टू। देखिए यहाँ पे इक्वल टू का सिंबल एंड देन यहाँ पे एक्स स्क्वायर एज इट इज रखते हैं इसको बाहर। अब देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर मीन्स क्या हो गया कि ये 25 हो जाएगा ठीक, और यहाँ पे प्लस यहाँ पे b स्क्वायर कर लेते हैं तो b स्क्वायर करेंगे तो 9y स्क्वायर और माइनस 2ab 2 × 5 × −3y सॉरी 5ab ना 2 × 5 × 3y ठीक, ये टर्म हो जाता है हमारा माइनस नहीं होता है, यहाँ पे ये टर्म हो गया। देन आप देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कैसे होगा, देखिए यहाँ पे क्या है कि 16y स्क्वायर ये दिख रहा है कैमरा में नहीं दिखेगा, आप ऊपर इरेज करते हैं ठीक है, देखिए यहाँ तक हो गया ठीक है। देन देखिए यहाँ पे क्या होगा कि 16y स्क्वायर प्लस 36 और प्लस यहाँ पे देखिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है 48, हाँ देखिए 8 × 6 = 48 तो 48y हो जाएगा ठीक, इक्वल टू देखिए ये टर्म हमारा एक्स स्क्वायर एज इट इज रहेगा और यहाँ पे 25 है, 25 प्लस 9y स्क्वायर है ठीक है, और माइनस यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे 30 हो जाएगा 5 × 2 = 10 × 3 30y दिस इज 30y ये टर्म हो गया हमारा। अब इसे इरेज देखिए ये टर्म हो चुका है। देन अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारा टर्म्स है एक्स स्क्वायर ये सबसे मल्टीप्लाई कर देते हैं और ये जो RHS में है सारा LHS में ले आते हैं ठीक। तो देखिए 16y स्क्वायर प्लस 36 प्लस 48y और ये टर्म है हम इसको इधर ही रखते हैं एक्स स्क्वायर 25 एक्स स्क्वायर ठीक, देन ये हमारा टर्म प्लस 9 हाँ एक्स स्क्वायर को हम y लिख सकते हैं यहीं पे, देखिए एक्स स्क्वायर इक्वल टू y था हमारा इक्वेशन 2 से तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे y या फिर इसको लिख लेते हैं, चलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर माइनस यहाँ पे 30y और x स्क्वायर ठीक है। अब x स्क्वायर की जगह पे हम y पुट कर दे रहे हैं तो देखिए 16y स्क्वायर प्लस 36 48y इक्वल टू देखिए यहाँ पे 25y हो जाएगा प्लस यहाँ पे 9y और y स्क्वायर मीन्स y क्यूब हो गया हमारा ये टर्म और यहाँ पे देखिए ये टर्म क्या है कि माइनस 30 और y मीन्स y स्क्वायर ये टर्म हो गया हमारा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि y स्क्वायर है फिर y है और कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे है y और y क्यूब है और ये हमारा y स्क्वायर है तो y क्यूब वाला जो टर्म होता है वो हम पॉजिटिव में ही रखते हैं ठीक है, तो y क्यूब वाला टर्म पॉजिटिव में रखते हैं तो ये जो हमारा इस साइड वाला टर्म है तो LHS वाला हम RHS में ले जाते हैं ताकि ये हमारा पॉजिटिव में ही रह जाए, y क्यूब जो हमारा वो पॉजिटिव में ही रह जाए ठीक। तो देखिए जब हम ये सारे टर्म उधर ले जाएंगे तो इधर तो जीरो हो जाएगा तो हम क्यों हम इधर वाला टर्म को हम पहले नहीं लिख सकते इक्वल टू फिर जीरो लिख सकते हैं, तो ये टर्म जो हमारा है मीन्स 25y प्लस 9y क्यूब माइनस 30y स्क्वायर ठीक, और ये वाला टर्म उधर जा रहा है मीन्स माइनस 16y स्क्वायर माइनस 36 माइनस 48y इक्वल टू ये हमारा जीरो इस टर्म में हो जाएगा ठीक। देन अब हमें क्या करना है कि कोफिशिएंट निकालना किसका, y क्यूब का निकालेंगे फिर y स्क्वायर का फिर y का और कांस्टेंट टर्म रखेंगे बस। तो देखिए y क्यूब यहाँ पे है ओनली 4 और कहीं नहीं है तो हमारा क्या हो जाएगा ये 9y क्यूब ही रह जाएगा 9y क्यूब। देन फिर क्या y स्क्वायर, तो y स्क्वायर यहाँ पे और y स्क्वायर यहाँ पे, देखिए ये दो जगह पे y स्क्वायर है और कहीं नहीं है तो क्या करेंगे y स्क्वायर हम कॉमन आउट करते हैं तो y स्क्वायर जैसे कॉमन आउट करेंगे तो क्या होगा देखिए यहाँ 30 तो रहेगा यहाँ पे 16 भी रहेगा ठीक, और क्या होगा कि माइनस है यहाँ पे और माइनस भी यहाँ पे तो माइनस वाई भी हम कॉमन आउट करते हैं माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉमन आउट कर लेते हैं तो ये टर्म जो हमारा है ये क्या हो जाएगा कि 30 हो जाएगा और यहाँ पे माइनस कर रहे हैं मीन्स ये प्लस हो जाएगा हमारा और यहाँ पे 16 हो जाएगा। देखिए वाई स्क्वायर कॉमन आउट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा। देन फिर क्या करेंगे
कि y स्क्वायर हो गया है एंड देन फिर क्या हो जाएगा y वाला टर्म, y यहाँ पे है और y यहाँ पे है, दोनों को पहले हम एडिंग भी कर सकते थे तो या फिर कॉमन आउट भी कर देंगे तो हो जाएगा। देखिए 48y और 25y मींस क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम पॉजिटिव वाला टर्म रख सकते हैं तो y हम यहाँ पे निकाल लिए और यहाँ पे 25 और ये -48 और यहाँ पे कॉन्स्टेंट टर्म ओनली फॉर क्या बचा है -36 इक्वल टू ये हमारा 0 हो गया। ठीक, देन देखिए अब इसको सॉल्व हो सकता है 9y³ ये सॉल्व हो सकता है, ये दोनों को एडिंग कर देंगे तो हो जाएगा इजीली, तो -y² और यहाँ पे देखिए ये एडिंग कर रहे हैं तो कितना हो रहा है 46, तो ये हमारा 46 हो गया, इसको लिख सकते हैं 46y² और फिर ये टर्म देखिए ये यहाँ जो है 25 हम 48 में 25 माइनस कर दे रहे हैं तो यहाँ पे तो कुछ 23 बचेगा, तो 23 नेगेटिव में बच रहा है तो नेगेटिव में बचेगा तो -23y लिख सकते हैं और -36 इक्वल टू 0 ये फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे होगा, ऐसे निकलेगा, इस टाइप का सेम टू सेम प्रीवियस ईयर में आया हुआ था क्वेश्चन।